अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक रिफाइनरी में भीषण आग लग गई और आग के तांडव मचाने का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें रिफाइनरी का ज्यादातर हिस्सा लपटों में घिरा हुआ साफ नजर आया। वहां लगी आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि काफी देर तक तो ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई और जैसे ही आग लगने की खबर दमकल कर्मियों को मिली वो उसे बुझाने के लिए तुरंत वहां पहुंचे। तो तस्वीरें आप देखिए कैलिफोर्निया में किस तरीके से ये आग लगी है रिफाइनरी में। दरअसल ये भीषण आग लगी और रिफाइनरी से ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई साफ दिखाई दी हैं। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है लेकिन कड़ी मशक्कत यहां पर करनी पड़ी थी जिस तरीके से आग लगातार पूरी रिफाइनरी को अपनी चपेट में ले रही थी। और अब खबर सियासत से जुड़ी हुई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार में आज आखिरी दिन बीजेपी के दिग्गज मैदान में उतरते नजर आए और वहीं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की हैं। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे जबकि 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। और अब खबर बिहार के दानापुर से, जहां दानापुर में एटीएम से पैसों की चोरी की कोशिश की गई। चोरों ने एटीएम के ऊपरी हिस्से को तोड़ ही दिया। हालांकि पैसे चोरी करने में वो चोर कामयाब नहीं हो सके। बिहार के दानापुर में हुई चोरी की कोशिश के बाद उसका सीसीटीवी भी सामने आया लेकिन इस सीसीटीवी में चोरों की तस्वीर साफ नहीं दिखी। हालांकि वारदात की अगली सुबह टूटा हुआ एटीएम देखा जिसमें एटीएम का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से टूट गया था। बताया गया कि चोर उस हिस्से को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके जिसमें कैश रखा हुआ था जिसकी वजह से लाखों की चोरी की कोशिश नाकामयाब हो गई। चोरी की इस वारदात के बाद पुलिस एटीएम के आसपास लगे सीसीटीवी की मदद ले रही है।